तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज ईद का पहला दिन है और अभी इस वक्त 5:30 हैं और 6 बजे हमारे इलाके में ईद की नमाज़ होगी और लोग शुरू करेंगे, आज का दिन शुरू करेंगे। वो कुर्बानी का जानवर हमें कल नहीं मिला तो आज हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद मंडी जाते हैं, वो मंडी का व्लॉग भी बना लेंगे आप लोगों को और मुख्तलिफ कुर्बानियाँ भी बताएं। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग वो दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड, टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया है, 5:37 तो यहीं हो गए हैं और अब गाड़ी माड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, 6 बजे नमाज है। घर का दरवाज़ा खोल लेते हैं, ये गाड़ी निकालते हैं। इस गाड़ी के अंदर भी काम वाम ज़रा कराने, जैसे कि स्क्रीन लगानी है, स्क्रीन ज़रूरी है, बैक कैमरा लगाने हैं वो ज़रूरी है। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, अब क्या जाने नमाज़ें दे रहे हैं क्योंकि उधर सब पानी गिरा होता है, चमन के अंदर ही होती है ना, पार्क में, एक ही के बड़े पार्क में होती है। मौसम बहुत अच्छा है, आज शायद बारिश भी हो। ये पार तो आप लोगों को याद होगा, या हमने छोटी ईद की नमाज ही पढ़ी थी। ईद की नमाज पढ़ ली, आप जा रहे हैं घर और फिर जाएंगे मंडी। फ्रेंड्स, ये जानवर है, इसकी आज कुर्बानी होगी। फ्रेंड्स, ये देखें कुर्बानी हो रही है, जानवर गिर चुका है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहि अलहम्द। फ्रेंड्स, आज ईद का पहला दिन है और ये देखिए हम मंडी जा रहे हैं, देखिए मंडियाँ लगी हुई हैं तुम्बू की। आज भी लोग जानवर ले रहे हैं, इतनी धूप है, जबरदस्त धूप है, ये ज्यादातर बकरे हैं, बीच में और कुछ दुम्बे भी हैं। सलाम अलैकुम दादा, ना पशु दा कमा दा देखो 50 चाचा, हां हां, वो आखवा दे सारा जो 50, हां पेट्रोल 50 वाला है, पैनल रेट दा, पैनल रेट दा जी के सस्ता दा ना, सही दुम्बे है, बड़ा दुम्बा, जबरदस्त बड़े बड़े दुम्बे, वो काला दुम्बा बहुत प्यारा है। वो गाय में बड़ी रश है आज, अगले ने दम्बा खरीद लिया, ये दम बकरा बहुत अच्छा है। ये बस आज आखिरी दिन है ना मंडी मंडी का, दिन है ना मंडी मंडी का, फिर कल से बस खत्म मंडिया। कसाई गोश्त ले जा रहे हैं,
ये रास्ता फ्रेंड्स मंडी को जा रहा है। और ये आ गई है जी मंडी। ये नीचे स्लॉटर हाउस। देखें दांत, कितना प्यारा दांत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कितना प्यारा जानवर है ये। एक ये रह गया है और एक ये जानवर रह गया है। देखें वो काला जानवर, ये थोड़ी सी जानवर रहेगा ये मंडी में। मंडी बिल्कुल वीरान हो चुकी है इस वक्त, बस थोड़े बहुत जानवर रह गए हैं, चंद दो चार जाने। यहाँ मंडी लगी हुई थी कल के दिन। बड़ी मंडी थी फ्रेंड्स ये, सब खाली है अभी। बड़ा प्यारा जानवर है ये फ्रेंड्स। कटने के बाद सब उधर जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी जानवर कटेंगे। फ्रेंड्स जानवर भी इधर कट रहे हैं। फ्रेंड ये जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहिए जो एलियन है देखें। बाहर भी है जी। बाहर भी। अच्छा फ्रेंड्स ये बाहर अभी यही जानवर भी हलाल होंगे आज। ये सब आज हलाल होनी है। देखें झोटी, देखें कितनी ख़तरनाक झोटी है। कितने जानवर हैं फ्रेंड्स, इनको बाहर बांधा हुआ है। मोटी झोटी है। ये सब हलाल होना है इन सब में। ये बड़ी मोटी झोटी है, 10 मन की तो होगी ये। अब 100 मन है यार। निष्ठा मन प्यारा ध्यान है आज। ये सब हलाल हो जाएंगे सब। ये भी वो आगे भी, अगर इनमें से किसी को भी पता लग जाए कि हमारी आज हलाला होना है तो अल्लाह चीर फाड़ दे हमें। पर इनमें बड़ा जानवर है ये माशाल्लाह, सूरत जानवर है, मासूम। फ्रेंड्स हलाले शुरू हो गए हैं।
पांचवा जानवर देखे हलाल हो रहा है। देखिए कोल्ड हाउस है, कितना ठंड है फ्रेंड्स, ये कोल्ड हाउस है। ये सब लोग कैसे देखें इसमें वो हो रहे हैं। कोल्ड हाउस आपने कभी देखा है? ओए 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 ओए, आज तो हजार जानवर आप लोगों को बता दिए। फ्रेंड्स मैं आज आपको अपना पुराना घर बताता हूँ, जो कि हम लोग बचपन हम लोगों ने जिस घर में गुजारा था वो आज आप लोगों को मैं बता दूँ। इसको कहते हैं रामपुरा गेट, नवा दरवाजा। ये शनागरी के साथ है, पीछे शनागरी रह गया है। ये आटे की मार्केट है, बिल्कुल आटे की चीनी। ये घर था फ्रेंड्स हमारा, ये घर था, दुकान थी नीचे और ये घर था हमारा। पांच लाख सत्तर उदा कल बका हुई। हाँ हाँ वाह, हलाले को अभी हलाले के लिए ले जा रहे हैं। लंपी वायरस रिकवर दे दाखो, भाई खुद भी डर रहे हैं फ्रेंड्स। ये 5,30,000 रुपए का लिया है। माशाल्लाह और अंदर कितने बड़े जानवर कटे हैं? बकरे वगैरह। बस ये दो जानवर से बड़े। माशाल्लाह फ्रेंड्स माशाल्लाह, हलाले के लिए जा रहे हैं। बचपन फ्रेंड्स इन्हीं जगहों पे गुजरे है। ये देखें, ये रामपुरा गेट था, मिलाद चौक थी, हम लोग यहाँ से पारा पढ़ने आते थे फ्रेंड्स। ये हमारे हमसाये थे सब, और ये हमारा घर था फ्रेंड्स, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा घर होता था। मिठाई के लिए रुके हैं, मिठाई लेने के लिए, मिठाई लेते हैं और फिर जाते हैं घर। देख रहे हैं उस तरफ भी है, उस तरफ भी है। हालत तो बहुत बुरी है, लेकिन अभी ज़रा छुरियाँ लेने या वो लेने आए हैं सीखे, पता नहीं होगी भी इसके पास के नहीं होगी।
तो फ्रेंड्स सबको मेरी तरफ से सब मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद का पहला दिन बड़ा सख्त दिन था, बड़ा काम करने वाला दिन था, और बस बहुत थक चुका था मैं जब घर आया हूँ। नहाया धोया, वाइट जोड़ा जो मेरा ईद का था सब खून से लथपथ हुआ हुआ था। फिर मैं गया हूँ, जोड़ा बदलाया है, क्या नाम है वो किया है, क्या नहाया धोया हूँ और बस सो गया। तो कुछ देर बाद मेहमान आ गए हमारे घर में, तो सोया ही हुआ था कि वो मेहमान आ गए, कज़न्स आ गए। तो बस अभी वो कज़न्स गए हैं, उनके साथ बैठे थे, बस अभी गए हैं। अभी मगरब की नमाज़ पढ़ी है, और अभी मैंने क्या हुआ व्लॉग तो एंड ही नहीं किया, तो एंडिंग के लिए अभी वीडियो बनाने लगा हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उम्मीद से बढ़कर गर्मी थी, और बड़ी मेरा बड़े खुशफहमी थी मुझे कि आज बड़ा अच्छा मौसम होगा, क्योंकि जो गुजरा हुआ कल है बहुत अच्छा मौसम था। कल जब हम लोग दुम्बे मुंबे आप लोगों को बता रहे थे, बड़ा प्यारा मौसम था कल, सूरज नहीं था, सूरज चाचू नहीं थे, तो आज सूरज चाचू आ गए, चंदा मामू नहीं आए। तो बस अल्लाह दो दिन हमारे लिए और आसान करे और सब के लिए आसानी का मामला करे। और आप सबको ईद मुबारक, अल्लाह सब की कुर्बानियाँ हमारे समेत कबूल और मंजूर करे। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर मेरा चैनल या वीडियो आप लोगों को पसंद आए तभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होगा कि टिक्कों पे कौन कौन से मसाले लग रहे हैं, क्या क्या बारबेक्यू सेटअप हो रहा है, कौन कौन लोग आ रहे हैं हमारे घर। तो ये इसको देखने के लिए, इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो अल्लाह हाफिज़।